गर्भ में शिशु पर किए हुए संस्कार को गर्भ संस्कार कहा जाता है। पुराने जमाने में गर्भ संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता था। गर्भ संस्कार में बड़ी से विधि का आयोजन किया जाता था। नक्षत्र, ग्रहमान, दिन, दशा, इन सब का अभ्यास करके होम हवन और उसी की तरह स्त्री पुरुष की मन की और शरीर की शुद्धि की जाती थी। इन सब विधि को पार करके जो शिष्य जन्म लेता था वो अद्भुत, अलौकिक, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता था। जिस तरह अच्छा फल पाने के लिए अच्छे बीज की, अच्छी जमीन, खाद और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही अच्छी संतति पाने के लिए भी योग्य स्त्री बीज, पुरुष बीज, पोषक आहार और अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। इसलिए आयुर्वेदिक शास्त्र ने एक शास्त्र का निर्माण किया है जिसे हम गर्भ संस्कार शास्त्र कहते हैं। गर्भधारणा से पहले कैसे तैयारी करें, पति पत्नी अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, योग्य गर्भधारणा कैसे करें, गर्भ का आवाहन कैसे करें, क्या ना खाए, शरीर की, मन की गर्भधारणा के लिए तैयारी कैसे करें और गर्भधारणा रहने के बाद 280 दिनों तक गर्भस्थ माँ और शिशु का ख्याल कैसे रखे, इसका संपूर्ण विवरण आपको आगे की वीडियो में मिलता जाएगा। वेदों में लिखा गया है कि एक शिशु अपने पिछले जन्म के कर्म के ऊपर ही जन्म लेता है। जैसे उसका कर्म है वैसे उसका जन्म रहेगा। शिशु अपने माँ को खुद चुनता है। उसके शरीर का पोषण माँ के रक्त से ही होता है। उसका मन माँ से जुड़ा रहता है। माँ कैसे बोलती है, क्या खाती है, क्या सुनती है, इन सब का परिणाम गर्भ में बच्चे पर होता है। माता पिता के गुण, अवगुण, पिछले जन्म के कर्म और अभी के गर्भ संस्कार से एक बच्चे का जन्म होता है। पुराने जमाने में जो गर्भ संस्कार किया जाता था, आजकल इतनी कठिन विधि संभव नहीं है। व्यस्त जीवन शैली, वक्त की कमी, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इससे संपूर्ण गर्भ संस्कार की जानकारी दी जाएगी। ये सब जानकारी आपको आगे वाले वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। गर्भ संस्कार एक बहुत बड़ा विषय है। पूरे 12 महीने का संस्कार इसमें दिया गया है। पुराने जमाने में माता पिता को गर्भ संस्कार में एक तप से गुजरना पड़ता था, तभी महान आत्मा का जन्म होता था, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध। पति पत्नी को 3 महीने एक दूसरे से अलग रखा जाता था। स्त्री के शरीर की शुद्धि की जाती थी। इसमें बहुत से काढ़े देकर शरीर से गर्भधारणा के लिए अनावश्यक पदार्थ निकाले जाते थे। काढ़े के लिए आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता था। साल में एक बार विशिष्ट कालावधि में ही जंगल से दवाई तोड़ी जाती थी, क्योंकि इस कालावधि में दवाई में विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक तेल से मसाज की जाती थी। शरीर पे आयुर्वेदिक लेप लगाया जाता और गाय की शुद्ध दूध से नहलाया जाता। 3 महीने में पोषक आहार, जिसमें फल, सब्जी, आयुर्वेदिक पानी, इन सब का समावेश रहता था। उसी प्रकार बाहर के लोगों से मिलना बंद कर देते थे, ताकि किसी प्रकार का नकारात्मक विचार मन में ना आए। रोज रात को स्त्री के शरीर से नमक उतारा जाता था, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर अपाय ना करे। वैसे ही पुरुषों को भी कुछ प्रक्रिया से जाना पड़ता था। 3 महीनों तक उन्हें पत्नी से दूर रखा जाता, ताकि वीर्य का नाश ना हो। उत्तम वीर्य बनने के लिए पुरुषों के शरीर की शुद्धि की जाती थी। उन्हें भी आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता था, ताकि वीर्य अच्छा बने। महान पुरुषों के चरित्र का पाठ किया जाता था, ताकि पुरुष की बुद्धि में एक महान आत्मा को जन्म देने की चेतना जागे। मादक पदार्थ जैसे शराब, मांसाहार, इन सब से भी दूर रखा जाता था। 3 महीने तक इस प्रक्रिया का पालन किया जाता था। 90 दिन के इस कालावधि में एक उत्तम स्त्री बीज और पुरुष बीज की निर्मिति होती। स्त्री पुरुष की शारीरिक शुद्धि होने के बाद होम हवन की प्रक्रिया की जाती थी। जिस जगह दाम्पत्य रहते हैं, उस वातावरण को शुद्ध किया जाता। होम हवन से वातावरण के जंतु, छोटे कीड़े जो शरीर के लिए अपायकारक होते थे, ऐसे जंतु हवन के आग और धुएं से नष्ट हो जाते थे। होम हवन की विधि के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता।
नक्षत्र, दिन, ग्रहमान ये सब देखकर कुछ तारीखें निकाली जाती। उसी तारीख में स्त्री पुरुष का मिलन योग निकाला जाता। अगर गर्भ रह गया तो उत्तम, नहीं तो अगली तारीख का नियोजन किया जाता। मनुष्य 84 योनि से जन्म लेता है, यानी मनुष्य जब मरता है वो फिर से जन्म लेता है। मनुष्य का शरीर नष्ट होता है पर उसकी आत्मा अमर रहती है। ये आत्मा तीन प्रकार की रहती है, निकृष्ट, सामान्य और उत्कृष्ट। जैसी आत्मा रहती है वैसे ही वो अपना गर्भ चुनती है। निकृष्ट आत्मा हमेशा निकृष्ट ही कोख चुनती है। उत्कृष्ट आत्मा गलती से भी निकृष्ट कोख में जन्म नहीं लेती। आम तौर पे सामान्य आत्मा मरने के बाद 7 से 13 दिन में गर्भ चुन देती है, मगर उत्कृष्ट आत्मा को गर्भ चुनने में काफी वर्ष लग जाते हैं। उत्कृष्ट आत्मा अपने माता पिता का स्वयं चुनाव करती है। उत्कृष्ट बालक पाने के लिए हमें उत्कृष्ट माता पिता भी बनना पड़ता है। इसलिए गर्भ संस्कार में गर्भ रहने से पहले ही शरीर पे संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। अपना गर्भ इतना उत्कृष्ट बनाया जाता है कि निकृष्ट आत्मा उसमें प्रवेश ही ना करे, और सामान्य आत्मा अगर आए भी तो उसे उत्कृष्ट बनाने के लिए गर्भ संस्कार की प्रक्रिया करे। गर्भ संस्कार एक शास्त्र है, इस शास्त्र को विज्ञान ने भी मान्यता दी है और ये साबित किया है कि अगर गर्भ में रहते हुए शिशु पर संस्कार किए जाए तो ये शिशु आजीवन संस्कारित रहता है। जैसे मिट्टी के घड़े को गीला रहने तक ही आकार दिया जाता है, वैसे ही शिशु जब गर्भ में रहता है तभी से उसे हमें संस्कारित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में अद्भुत, अलौकिक, तीक्ष्ण बुद्धि वाला शिशु जन्म ले सके। इसी तरह से आगे आने वाले वीडियो में संपूर्ण गर्भ संस्कार की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे ही गर्भ संस्कार के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।